मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम थर्ड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा कंपनी लॉ। एंड कंपनी लॉ में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो सुना था अपना स्टाफ बनाना यानी प्रेस वर्कर्स। इसके कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करा दी है ना, तो आप पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए। आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले स्टाफ बनाने की वैसे समझेंगे मैटर ऑफ प्रॉस्पेक्टस। सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि क्या होता है स्टाफ बनाना। देखो क्या होता है, स्टाफ अग्रीमेंट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट प्रपत्र होता है जिस पर एक कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी उनकी जानकारियाँ होती हैं कंपनी में भी क्या क्या कंपनी की क्या कंडीशन है, कंपनी में क्या क्या वर्कलोड है, सब उसमें लिखा हुआ होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया था कि जब जैसे आप कॉलेज में आए थे है ना, तो कॉलेज में आने से पहले आपने कॉलेज का एक प्रपत्र मतलब एक विवरण देखा होगा। विवरण का मतलब सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी कॉलेज में क्या क्या है, कॉलेज में आप जा रहे हो तो कौन कौन सी कोर्सेस हैं, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीबीए है, बीसीए है, बीएड है, डीएलएड है, आईबीए है, तो सब कुछ लिखा है ना। एमए है तो कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन से मतलब क्या क्या वहाँ पढ़ाया जाता है, क्या क्या वहाँ होता है, तो उस प्रेस वर्कर्स पे हमारा जो है वो सब लिखा होता है ना। उस विवरण पत्र में हमारा सब लिखा होता है, वो क्या होता है हमारा प्रावधान। ऐसे ही कंपनी में जब एक शेयर होल्डर जब एक अंशधारी कंपनी के अंश खरीदना चाहता है तो वो कंपनी के अंश खरीदने से पहले हम अगर कहीं भी एक रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये एक रुपये हमारा कहाँ जा रहा है, इससे कोई ना कोई तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो यही चीज़ है कि जब कोई इन्वेस्ट करता है, थोड़ा भी इन्वेस्ट करता है, तो वो एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ से उसे रिटर्न है ना। तो एक जब एक व्यक्ति एक अंशधारी किसी भी कंपनी के शेयर खरीदता है तो वो कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहता है कि भाई कंपनी में क्या है, कैसा क्या सिस्टम चलता है, कंपनी की स्थिति कंडीशन आज के समय में क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सारी इंफॉर्मेशन जब वो लेता है और जिस पेपर पर वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रावधान यानी प्रेस वर्कर्स। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रोसेस मतलब इसमें क्या क्या मैटर की नीड होती है। सबसे पहला है हमारा कि किसी सार्वजनिक कंपनी क्या किसी सार्वजनिक कंपनी के द्वारा सबसे पहली बात है कि अगर शेयर जारी कौन करता है, सार्वजनिक कौन करता है शेयर जारी, सार्वजनिक कंपनी। तो किसी सार्वजनिक कंपनी के द्वारा या उसकी ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जो ऐसे सार्वजनिक कंपनी की बैठक में इसने क्या कहा, इन्हें ये कहा कि किसी सार्वजनिक कंपनी के द्वारा या उसकी ओर से या ऐसे व्यक्ति की ओर से जो कि किसी सार्वजनिक कंपनी की संगठन में गठित हो, तिथि या उसके हस्ताक्षर होंगे। प्रावधान बनाने के लिए सबसे पहले तो सार्वजनिक कंपनी होनी चाहिए है, या सार्वजनिक कंपनी नहीं होगी तो कोई ऐसा पार्टिकुलर एक व्यक्ति होना चाहिए जो किसी सार्वजनिक कंपनी में गठित है और उसका उसके प्रावधान बनाने की तिथि और उसके हस्ताक्षर। दूसरा है हमारा उपधारा। उपधारा में जो क्या है इसमें दो पॉइंट है, सबसे पहला है हमारा विद्यमान सदस्य या गणपतधारियों पर लागू नहीं होगा। ये जो प्रावधान हम बना रहे हैं ये तो जो विद्यमान सदस्य है जो कंपनी की बहुत पुरानी सदस्य हैं उन पर और गणपतधारियों पर लागू नहीं होगा। जैसे किसी व्यक्ति ने कभी कुछ साल पहले अंश खरीदे थे है ना, तो जो प्रावधान हम बना रहे हैं उस पर लागू थोड़ी होगा। ये किसके लिए बना रहा है, जो आने वाले जो व्यक्ति है जो अपने यहाँ मतलब अंश खरीदेंगे आने वाले उनके लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो वही विद्यमान सदस्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। फिर हमारा दूसरा पूर्व से जारी अंश और ऋण पत्र के संबंध में, ये कैसा होगा, पूर्व से जारी अंश और ऋण पत्र के संबंध में ही होगा। नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रार को प्रावधान की तिथि की सुपुर्दगी, सुपुर्दगी यानी डिलीवर करना, जो हम प्रोस्पेक्टस तैयार करते हैं जहां हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया है उस रजिस्टर ऑफिस में हम अपने प्रावधान की एक कॉपी दे देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा विशेषज्ञ द्वारा, इसका कथन कैसा होगा, विशेषज्ञ द्वारा होगा, एक्सपीरियंस जो होल्डर होगा वही इसका कथन करेगा, वही इसको बनाएगा है ना। नेक्स्ट इसको पंजीयन के लिए सुपुर्दगी विवरण का वर्णन प्रावधान से करना है, किसके लिए, पंजीयन के लिए सुपुर्दगी विवरण का वर्णन प्रावधान से करना, जो जब हमारे
है, तो जो हम प्राकरण पहले से दे देते हैं उसी से हमारा होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रावधानता अवैध होना। प्रावधान का कैसा होना? अवैध होना। किस कंडीशन में प्रावधान अवैध होता है? वह तिथि से जिसको उसकी एक प्रति रजिस्टर को सुपुर्द कर दी है उस तिथि के 90 दिन के बाद जारी किया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो या तो उसको दंड भी हो सकता है। देखो दंड किस प्रकार से होगा? जुर्माना 50,000 से कम नहीं होगा। जुर्माना कैसा होगा? 50,000 से कम नहीं होगा और 3,00,000 तक हो सकता है। इसके अलावा 50,00,000 और 3,00,000 दोनों जुर्माने भी एक साथ लग सकते हैं और इसके अलावा दंड भी हो सकता है। एक बार और हम देख लेते हैं इसके विषय सामग्री में क्या क्या लगता है। सबसे पहले ये किसी भी सार्वजनिक कंपनी के द्वारा या उसकी ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जो ऐसी सार्वजनिक कंपनी के गठन में हो उसकी तिथि व हस्ताक्षर होंगे। दूसरा है हमारा उपधारा में विद्यमान सदस्य गणपति धारण पर लागू नहीं होगा पूर्व में जारी अंशों को और गणपतियों के संबंध में होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रार के प्रति रजिस्ट्रार को प्रावधान के प्रति हम सुपुर्द कर देंगे एक कॉपी डिलीवर्ड उसको कर देंगे। फिर है विशेषज्ञ के द्वारा कथन होगा एक्सपीरियंस होल्डर के द्वारा ही बनाया जाएगा। पन्ने के लिए सुपुर्द विवरण का पन्ने प्रावधान में करना होगा है ना। और फिर है हमारा प्रावधान का अवैध होना इसको मतलब तिथि के 90 दिन के बाद ही इसको जारी किया जाएगा। जो तिथि होती है प्रावधान की डेट में जारी करना उस डेट के 90 दिन के बाद इसको जारी किया जाएगा। और जुर्माना भी होता है इसमें अगर ये किसी प्रकार से अवैध होता है गलत होता है तो इसको 50,000 से लेकर 3,00,000 तक का जुर्माना लग सकता है। आप लोगों को बता दें कि जो आप लोगों को डे बाई डे टॉपिक्स बाई टॉपिक वीडियोज बन रही है आप लोग अपने नोट्स तैयार करें।